तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे बहुत इंतजार करने के बाद यहाँ पे लेटर एंट्री के माध्यम से पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग करने के लिए मतलब पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे जो भी है लेटर एंट्री के माध्यम से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे उनका जो समय सारणी निकल कर आ गया है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लेना है अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं लेटर एंट्री के माध्यम से, है ना। यहाँ पे पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा करना चाहते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें अगर आप आईटीआई कर चुके हैं, है ना, आप आईटीआई के माध्यम से डायरेक्ट क्या है सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, कहने का मतलब कि लेटर एंट्री के माध्यम से, है ना। तो ध्यान देना है लेटर एंट्री के माध्यम से अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे उनका जो समय सारणी है पूरा ही दिखा देंगे, है ना, कि कब से आप क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनका लास्ट डेट क्या रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है लेटर एंट्री के माध्यम से जो भी यहाँ पे समय सारणी है निकल कर आ गया है ना, अगर आप लेटर एंट्री के माध्यम से पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको पूरा उनका समय सारणी पता चल जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम ये भी बता देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन जो करवाना है ना पॉलिटेक्निक में मतलब कि लेटर एंट्री से एडमिशन के लिए उनका लास्ट डेट क्या रहने वाला है, और इनका जो अप्लाई करने का है ना डेट यहाँ पे कब से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें इनका लास्ट डेट यहाँ पे जल्द ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी समय सारणी बचेगा है ना उस समय सारणी के पहले ही आपको क्या रजिस्ट्रेशन करवा लेना है ना। उसके बाद यहाँ पे हम ये भी बता देंगे कि एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस रहता है ना लेटर एंट्री के माध्यम से पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम हर वीडियो में बताते रहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट रह चुके हैं ना, तो यहाँ पे हम आपको जो भी जानकारी देंगे आपको सही जानकारी ही देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें अगर आप अपने मोबाइल से खुद चेक करना चाहते हैं, है ना, ना ही आप किसी से पूछना चाहते हैं, ना ही आप एमपी ऑनलाइन में जाना चाहते हैं उनका समय सारणी एडमिशन लेने के लिए क्या रहने वाला है, आप अपने मोबाइल से खुद चेक कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम उनके मेन ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखकर आपको बता देंगे, है ना, और आपको यहाँ पे देखना भी आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है अगर इस वीडियो को देखने के बाद, तो यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिएगा, है ना। फॉलो करने के बाद हमको वहाँ पे मैसेज के द्वारा पूछ लीजिएगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे बता ही दिए कि हम पॉलिटेक्निक स्टूडेंट रह चुके हैं, तो यहाँ पे हम आपको सही जानकारी ही देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है लेटर एंट्री के माध्यम से अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ना, तो उनका समय सारणी देखने के लिए 2024 की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एडमिशन होना स्टार्ट हो चुका है। कहने का मतलब फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है अगर आप इनका मेन ऑफिशियल वेबसाइट से समय सारणी देखना चाहते हैं, है ना, ये एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो आपको गूगल में सर्च करना है DTE, है ना, .mponline. है ना, यहाँ पे लिखेंगे gov.in, इस प्रकार से लिख कर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या है उनका मेन ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे पहला जो वेबसाइट आएगा उसको क्लिक कीजिएगा, है ना। उसके बाद उनका मेन ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुलकर इस प्रकार से आ जाएगा, है ना, होम पेज। तो आपको क्या करना है, तो जो सिंबल बना है उसके बगल में लिखा है काउंसलिंग के लिए कोर्स चिन्ह, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे से दूसरे नंबर में लिखा डिप्लोमा प्रोग्राम, इसको आपको क्लिक कर देना है, है ना। अब यहाँ पे देखिए नीचे से यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर में लिखा है लेटर एंट्री आईटीआई से डिप्लोमा, है ना, तो इसको आपको क्लिक कर देना है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर ही लिखा है काउंसलिंग के लिए आवेदन करें समय सारणी, है ना, नियम पुस्तिका कट ऑफ लिस्ट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे ऊपर लिखा है काउंसलिंग के लिए, है ना, आवेदन करें, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ पे वेट कीजिए क्योंकि यहाँ पे सर्च कर रहा है ना, यहाँ पे नेटवर्क इश्यू हो रहा है इसलिए। अब यहाँ पे देखना है कि सर्च करने के बाद उनका जो समय सारणी है यहाँ पे खुलकर आ गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है लेटर एंट्री आईटीआई से डिप्लोमा, कहने का मतलब ये है कि अब आईटीआई कर चुके हैं, अब लेटर एंट्री के माध्यम से आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं ना, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लेटर एंट्री से अगर एडमिशन ले तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं इनका जो समय सारणी क्या रहने वाला, जिसको देखिए ऊपर कर लेते हैं हर से। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि है ना लेटर एंट्री आईटीआई से डिप्लोमा करने के लिए यहाँ पे समय सारणी क्या रखा गया, देखिए प्रथम चरण, अभी पहला चरण अभी चलेगा है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट चरण निकल कर आ गया। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है यहाँ पे 5 अगस्त, मतलब कि 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है ना, और आपका जो यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे 28 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो आपको ध्यान देना है ना, अगर आप लेटर एंट्री से डिप्लोमा करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 5 अगस्त, और यहाँ पे
28 अगस्त, इन्हीं के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते समय कुछ बातों को ध्यान नहीं देते। यहाँ पे आपको पासपोर्ट को वहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आप फॉर्म भरवाएंगे पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट बनाया जाता है फॉर्म भरते वक्त, है ना, या फिर चॉइस फिलिंग करते समय वहाँ पे पासपोर्ट बनाया जाता है। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे जब भी आप फॉर्म भरवाएंगे तो वहाँ पे आपको पता कर लेना कि आपका पासपोर्ट क्या रखा गया है ना, उसको वहाँ पे लिख लीजिएगा। बाद यहाँ पे देखिए लिखा है एडिट रजिस्ट्रेशन, है ना, अगर आप जो फॉर्म भरे उसमें कुछ भी गलतियां होती है तो यहाँ पे देखिए 29 अगस्त और 30 अगस्त, मतलब एक दिन का समय मिलेगा, उसमें आप क्या है एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना, बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए चॉइस फिलिंग, मतलब इसमें क्या है आपको चॉइस फिलिंग करना है कि आपको कौन से ब्रांच चाहिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको 7 अगस्त, यहाँ पे आपको 7 अगस्त और 1 सितंबर, इन्हीं के बीच में आपको क्या है चॉइस फिलिंग कर लेना है ना, कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से ब्रांच में। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है एडिट एंड री चॉइस फिलिंग, कहने का मतलब इसमें ये है कि जो चॉइस फिलिंग किए हैं इसमें आप क्या एडिट भी कर सकते हैं, उसमें चेंज भी कर सकते हैं आगे पीछे जो भी कॉलेज आपको लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसका डेट रखा गया है 31 अगस्त से 1 सितंबर, कहने का मतलब इसमें भी आपको एक दिन का समय मिलेगा एडिट करने के लिए। उसके बाद आपका कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद प्रिंट अलॉटमेंट लेटर आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे उनका समय सारणी दिखा दिए है ना। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं लेटर एंट्री के माध्यम से, अगर आप ITI कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि है ना पॉलिटेक्निक करें, इंजीनियरिंग की लेटर एंट्री के माध्यम से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो भी समय सारणी है ना यहाँ पे हम आपको दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे जो भी इनका समय सारणी इसी के माध्यम से आपको है ना यहाँ पे आपको क्रमबद्ध यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन कराने का डेट है ये सब करवा लेना है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जो भी यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस है उसको पूरा आपको करना है ना। यहाँ पे जो भी डेट आपको बताया गया है, जो भी डेट यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सवाल रहता तो हमको यहाँ पे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, है ना। फॉलो करने के बाद हमको वहाँ पे मैसेज भी कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपका जो भी है ना क्वेश्चन होगा उसको हम वहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप चैनल में नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।